आपके पास वीवो Y20 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर ब्लूटूथ से नेट कैसे चला सकते हैं या फिर ब्लूटूथ से नेट कैसे शेयर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक दूसरे से फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है, आप बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हॉटस्पॉट थैदरिंग, इस पर आपको टैप करके ब्लूटूथ वाले थैदरिंग वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना होता है। आप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ना तो वाईफाई ऑन है। एक बार वापस से बंद करेंगे, यहाँ पे डिटेल पे टैप करेंगे, एक बार स्वाइप करके यहाँ से वाईफाई मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना ही वाईफाई कनेक्टेड है और ना ही आपके फ़ोन में सिम है। अब इस फ़ोन में आपको चलाना है तो उस कंडीशन में आपको इस पर टैप कर लेना होता है और कनेक्टेड कर लेना होता है। यहाँ से आपका कनेक्टेड हो गया। अब आपको करना है बैक, अब कुछ भी आपको सर्च करना है डायरेक्टली आप सर्च कर लेंगे, ब्लूटूथ के जरिए आपका नेट चालू हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ना ही आपको किसी चीज़ से करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको वाईफाई, ना ही आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टली आपके फ़ोन में ब्लूटूथ से नेट चलना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।